वहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब मुझे ही देख के जा रहे हैं कि भाई ये क्या कर रही है, पागल वागल है क्या। सो गाइस ये मुझसे इतना लड़ती है, इतना लड़ती है। हाय गाइस दिस इज योर मेकअप लवर खुशी आई सरू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो आज की वीडियो ना, यस दिस इज माई फर्स्ट एवर व्लॉग। सो मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है मिनी व्लॉग, बट दिस इज माई फुल व्लॉग। जैसा आप लोग बोलते हो कि हमें फुल व्लॉग चाहिए, हमें व्लॉग चाहिए, डेली व्लॉग चाहिए, तो मैं क्या दिखाऊँ डेली व्लॉग में। बट आज मेरे पास कुछ स्पेशल सा है, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग शूट करते हैं। और आप लोग को पता है मैं पिछले 20 मिनट से बैठ के यहाँ पे खाली इंट्रो ही शूट कर रही हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा था, बट फाइनली अब जो हो गया है यही डर हो गया है। तो चलो जी, तो आज मैं जा रही हूँ एक जगह घूमी घूमी करने, और जगह का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट यहाँ से हमारे घर से वो 20 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग बाइक से जाएंगे, मैं और मेरे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये है आपकी मेकअप लवर खुशी की असलियत। मैं घर पे ऐसे ही रहती हूँ, नो मेकअप कुछ भी नहीं। देखो बाल भी मैंने कॉम नहीं किया है, तो ये मेरा सुबह का फेस है। जस्ट मुंह धो के मैंने पिया है, ये सब भी बताते ना। हाँ तो मैंने अभी पिया है चाय, दिस इज माई चाय, और मैंने खाया है ये बिस्कुट। इसको बिस्किट्स नहीं कहते, इसको कहते हैं बिस्कुट। तो मैंने बिस्कुट खाया है यहाँ पे 50-50 चस्का मस्का। और गाइज आप लोग सोच रहे होगे कि ये इस कलर में क्यों आता है, ये तो कलरफुल आता है ना, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कब से आने लग गया। बट अगर आप इसका बड़ा वाला पैकेट लोगे ना, तो अंदर से ऐसे छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट से निकलते हैं। सो अब भी चलो चलते हैं, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो कुछ भी गड़बड़ी हो तो माफी चाहती हूँ। मैं गरीब हूँ। चलो बट उससे पहले मुझे 3 काम कंप्लीट करने। सबसे पहले मुझे मारना है पूरे घर में पोछा, एंड देन थोड़े से बर्तन रखे वो धोने हैं, और तीसरी चीज थोड़े से कपड़े वो। ये तीनों काम करके फटाफट मैं रेडी होके आपसे मिलती हूँ। एंड आप लोग सोचोगे कि ये बैकग्राउंड बड़ा चेंज लग रहा है, तो वो मेरा स्टूडियो जहाँ पे मैं अपना यूट्यूब वीडियो शूट करती हूँ, एंड ये मेरा घर है। सो मेरे घर पे कोई है नहीं, बाहर गए हैं, तभी मैंने सोचा अच्छा मौका है व्लॉग शूट कर लेते, बिकॉज घर पे कोई होता है ना तो मेरे से व्लॉग शूट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, मुझे बड़ी शर्म सी आती है, आई एम शाय गर्ल। सो गाइज आई एम वेरी नर्वस बाय द वे व्लॉग शूट करने में, क्योंकि घर पे तो चलो व्लॉग शूट हो पाता है, बट जहाँ हम जा रहे हैं वो मतलब पूरा क्राउडेड प्लेस होता है, तो पता नहीं वहाँ पे कैसा शूट होगा, बट मैं अपना 100% दूंगी। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगी, बट इस व्लॉग पे मैं रिस्पॉन्स देखूंगी पहले। सो या और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। एंड या अभी मैं मिलती हूँ आपसे 15 मिनट के बाद। 2000 years later. सो या क्यूटीज मेरा काम सब हो चुका है खत्म, अब बारी आती है वहां पे जाने की। तो मैं ना आपको ड्रेस दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ। डन। सो मैं पहन रही हूँ बहुत ही सिंपल सा आउटफिट है ये। आई एम वेयरिंग दिस लॉन्ग ड्रेस जो मैंने खरीदी है यस मीशो से, और बहुत ज्यादा ठंड है क्योंकि जनवरी चल रहा है, बट आज ना धूप निकली है, दैट्स वाई हम लोग वहां पे जा रहे हैं। बट नीचे में कुछ तो पहनना पड़ेगा ना, सो मैं ये पैंट पहन रही हूँ ब्लैक कलर के, ये उल्टा है, अभी इसको सीधा करके मैं पहनूंगी। और ये आप लोग सोचोगे ये पीछे क्या है पर्पल, तो इसे कहते हैं मच्छरदानी, इससे मच्छर अंदर नहीं आता है बिकॉज यहाँ पे बड़े मच्छर हो रखे हैं। और ये मैं पहनूंगी हुप्स, बहुत ही क्यूट है लिटरली, कैन यू सी। एंड अगेन इसको मैंने मीशो से परचेज किया, इसका पूरा सेट आता है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहा, तो मैंने ये पूरा सेट मीशो से खरीदा है, आई होप यू कैन सी। तो इसमें से मैं ये वाले पहनूंगी, और मैं मेकअप नहीं करूंगी, मैं खाली ड्रेस व्रेस पहन के निकल जाऊंगी यहाँ से। मैं सोच रही हूँ मेकअप वहां पे करूँ, मतलब चैलेंज काइंड ऑफ थिंग, चैलेंज भी नहीं होगा वो, मतलब मैं सोच रही हूँ वहां पे पेड़ की छाव में मेकअप करूँ आराम से। सो चलो चलते हैं। सो गाइज दिस इज हाउ ड्रेस लुक लाइक, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बट ना आई थॉट कि मैं अपने बाल बांध लूँ, क्योंकि बाल सर्दियों के टाइम बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं। सो मैं ये फ्रंट से यहाँ पे ब्रेड बना रही हूँ, एक मैंने बना ली है। 1 2 3 माइक चेक। सो गाइज वी आर ऑन द वे, और मैं घर से निकल चुकी हूँ, अभी हम लोग बाइक पर है। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, बट तो बहुत ज्यादा ही तेज चल रही है बाइक।
चुके हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है अभी अजान हो रही है, तो मतलब 1:05 हो चुका है एंड वी आर नाउ आवर प्लेस, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड कैन यू सी मेरे पूरे बालों की हालत ख़राब हो गई है क्योंकि हमें करेक्टली आधा घंटा लग गया यहाँ पे आने में एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, दैट्स व्हाई मैं वीडियो नहीं बना पाई। सो गाइज, आधे घंटे से हम लोग थे बाइक पे, तो आते के साथ हमें लग गई थी भूख, तो हम लोगों ने खाया एकदम चटपटे गोल गप्पे। उसके बाद हमें किले के अंदर जाना था, तो टिकट मिल रहा था, तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे टिकट लेने गए थे। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, बट हम लोग एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे मैं अपना मेकअप कर सकूँ। एज आई टोल्ड यू गाइज कि यहाँ पे मैं करूँगी मेकअप चैलेंज, तो अभी हम कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहे हैं। सो गाइज, फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और ये कौन है, आप कौन हो भाई? सो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और मेरे को आने में आधा घंटा लगा है। हम लोग को इतना गंदा ट्रैफिक था ना गाइज, और ऊपर से इतना ज्यादा धूप था, तो दैट्स व्हाई मैं इतना शूट नहीं कर पाई। बट नाउ सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। माय गॉड, कैन यू सी द हेवन, मतलब ये किसी जन्नत से कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है। और जो मतलब बिहार और डेहरी के आसपास रहता है या सासाराम के आसपास रहता है, उन्हें पता चल गया होगा ये कौन सा लोकेशन है। बट जो बिहार के मतलब जो बिहार में नहीं रहता है, तो उनको मैं बता दूं, ये है शेरशाह सूरी, मतलब है सासाराम में पड़ता है मकबरा, शेरशाह सूरी मकबरा, और भी इसका फुल नेम है मुझे नहीं पता है। बीच में बहुत ही ब्यूटीफुल सा किला है, और आसपास पानी ही पानी है, जैसा हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, एकदम एग्जैक्टली वैसा लोकेशन है। एंड गाइज, यहाँ पे मैं चैलेंज भी करने वाली हूँ, वो है मेकअप चैलेंज, वो मेरे शॉर्ट्स में चला जाएगा। सो अभी फटाफट मैं अपना जो है मेकअप शेकअप कर लेती हूँ, तो वो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगा। एंड आई लव दिस लोकेशन, सच बता रही हूँ। हेयर स्टाइल तो मैंने घर से ही बना लिया था, मैंने थोड़ा चेंज कर लिया हेयर स्टाइल, और चलो अब मेकअप शेकअप कर लेते हैं, फिर वीडियो और रील्स भी तो बनाने हैं। जाओ उधर, अभी जा रही हूँ, पहले दिखा दूँ सामान। सो गाइज, ये कितना हो गया, और बाकी इसके अंदर है मेरा मेकअप। आपका हाथ आ रहा है यार। सो गाइज, फाइनली हमें बहुत ही मस्त सा लोकेशन मिल गया है, कैन यू सी, सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करूंगी मैं। सो गाइज, अभी जो जोधा अकबर वाला सीन पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे ना फेस काफी ब्लैक आ रहा था, तो मेकअप अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो हमने सोचा यहीं पे बैठ के वीडियो शूट करते हैं। तो ये मेरा आधा मेकअप हो गया, बस थोड़ा सा और रहता है। अभी मैं मस्कारा लगा रही हूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे, सब मुझे ही देख के जा रहे हैं कि भाई ये क्या कर रही है, पागल वागल ले क्या। गजब बेइज्जती है। लोगों का तो पता नहीं, पर मेकअप मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, और मैं हुई मेकअप लवर पे जी। इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बकवास करना स्टार्ट कर देता हूँ। लोकेशन मुझे काफी अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि यहाँ पे थोड़ी फोटो वगैरह खींच ली जाए, और मैं पूरे 100 रुपये दे के इन फोटोग्राफर को लेके आई हूँ, ये मेरी फोटो खींचते हैं। प्रॉपर 100 रुपये भैया मैं आपको दूंगी, आप अच्छी अच्छी फोटो खींच देना मेरी। आईफोन से भी ज्यादा अच्छा इनका कैमरा है। आईफोन तूने मेरी नाक कटवा दी, इससे अच्छा तो इस कौन सा फोन है यार, ये ओप्पो रेनो 10 प्रो मैक्स प्रो प्लस है, और इतनी अच्छी फोटोज आ रही है इसमें। और ये सारी फोटोज आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, जिसका हैंडल मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी, खुशी सैफ रजा। तो हमारा फोटो वगैरह हो चुका है, ये देखो मैं से सारा सामान अपना ढोवाते हैं। कहाँ चलते हैं अब, कहाँ चलना है खुशी? उधर चलते हैं। सो गाइस, अब खुशी का ये कहना है कि अब वहाँ चलिए, तो पूरे 50 रुपये इन्होंने लिए, तो भाई चप्पा चप्पा छान मारेंगे हम लोग यहाँ। सो गाइज, जब हम लोगों ने किले के अंदर एंट्री की, तो वहाँ पे ये गार्ड अंकल खड़े थे, तो इन्होंने मेरा बैग चेक किया, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि इसके अंदर मेकअप है, ये वीडियो शूट करने आई थी। तो उन्होंने बोला किस चीज़ का, तो फिर हमने बताया कि हम यूट्यूबर है, तो कह रहे कितने सब्सक्राइबर आपके, तो हम लोगों ने बोला 1.5 लाख, तो ये इतने ज़्यादा खुश हो गए, कहने लगे कि हमें अपने व्लॉग में ले लीजिए, एंड ही इज़ सो स्वीट। Thank you.
बीच में आपको रास्ता मिलेगा और आस इधर की साइड और उधर की साइड पानी ही पानी है, बहुत मस्त व्यू है। सो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, कैन यू सी यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ है। सो गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से इतना मस्त वाला व्यू दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। दिल्ली, आप लोग को नहीं पता है तो बता दूं, वहाँ पे भी मतलब है एक मकबरा है किसका मेरे को याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे भी गई हूँ। बट ट्रस्ट मी ये बहुत मस्त है, अगर आप डेहरी और सासाराम के इधर रहते हो सो एक बार ही आना तो बनता है। कुछ इस तरीके का दिखता है एंड इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। सो गाइज यहाँ पे ये मकबरा है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जूता चप्पल हमें उतार के जाना है। शांति थी, दैट्स व्हाई हम लोग कुछ बोल नहीं पाए और मतलब काफी अच्छा लगा देख के ये बेचारे स्ट्रगल करते हुए। गाइस लोग यहाँ पे वीडियो बन चुका है हम लोग का और अब मैं जा रही हूँ, मतलब हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि बहुत भूख लग रहा है हम लोग को, है ना। तो गाइस हम लोग को बहुत भूख लग रहा है तो हम लोग ने वीडियो मस्त शूट कर लिया, हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे। तो मैं जैकेट पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। ये देखो ये केसर मलाई दूध पी रही है, कैसे पी रही है। सो गाइस इट्स एक्चुअली वेरी नाइस, बहुत ज्यादा यमी है। इसका यूट्यूब बनाने के लिए वीडियो। सो गाइस हमने दूध पी लिया एंड इट्स एक्चुअली वेरी यम, मतलब बहुत टेस्टी था। केसर वाला दूध इधर कहते हैं, अगर आप लोग यहाँ की साइड आ रहे हो ना तो आपको एक बार ट्राई करना तो बनता है। बहुत बुरे लग रहे, तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ और मेरे बालों की हालत आप लोग देख लो, लग रहा है कि एकदम जंगल बन चुका है। सो गाइस वहाँ पे मतलब एक अंकल थे तो वो ना मेरा बैग वगैरह चेक करने लग गए कि मतलब क्या लेके जा रहे हैं इसमें आप लोग। तो उसके बाद जब दिखाया तो मैंने लगा कि यहाँ पे मैं मेकअप वीडियो शूट करने आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये यूट्यूबर है, तो पूछने लगे कितना सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने कि 1.5 लाख है। पर वो फिर कहने लगे अच्छा व्लॉग बना रहे हैं आप लोग, हमको भी ले लीजिए व्लॉग में। तो फिर उनको आप लोगों ने देखा होगा, उनको व्लॉग भी लिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ मैं, और मतलब काफ़ी क्राउडेड प्लेस था और मैं कभी ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ क्राउडेड प्लेस, तो मुझे ऐसी बस शर्म टाइप आई थी क्योंकि सब मुझे ही देख रहे थे। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा और ये था मेरा एक छोटू मोटू सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को देखने में मज़ा आया होगा। सो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि मैं इस टाइप की और व्लॉग्स लेके आऊँ आप लोगों के लिए। सो यार क्यूटीज ये था मेरा व्लॉग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना खूब सारा ध्यान रखो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। सो गाइस ये मुझसे इतना लड़ती है बाय गाइस।